नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 11 कंटेस्टेंट प्रियांक शर्मा का नाम खबरों में है। कभी अर्शी खान के साथ झगड़े को लेकर तो कभी बिनाफ्शा के साथ अफेयर की चर्चा को लेकर, लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि प्रियांक बिग बॉस से निकलने के बाद करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रियांक शर्मा करण जौहर की धर्म प्रोडक्शन की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक रोल प्ले करते नजर आ सकते हैं। फिल्म के स्टार कास्ट में टाइगर श्रॉफ का नाम पहले ही फाइनल हो चुका है। टाइगर की हीरोइन अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो फिल्म में उनके अपोजिट दिशा पाटनी हो सकती हैं। और इसके साथ ही चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। तो आपको बता दें कि बिग बॉस से निकलते ही प्रियांक शर्मा के हाथों करण जौहर की फिल्म लग गई है, और अब देखना होगा कि आखिरकार प्रियांक शर्मा इस ऑफर को कैसे कैश करते हैं। डेली डायरी की रिपोर्ट।